राजनीति के ऊपर बोला तो आपको तेल मिलाती। माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते प्रोटेस्ट निकलते। तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को। अब तक कुछ नहीं बोले, जब लिंगायत इश्यूज के ऊपर, ओबीसी इश्यूज के ऊपर, दलित इश्यूज के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हार को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है? शर्म की बात है, शर्म करो। ये 9 MLA मुस्लिम जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो, और आपको खाली है इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हैं। ऐसे आपके काले कांड जो है संघ परिवार के साथ मिलकर इंटरनल जो करते हैं उसका और बहुत सारा चिट्ठा हमको बोलने मत लगाइए। अगर आप ये बोलने पर मजबूर करेंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 MLA जो है मुस्लिम MLA ना इनको छोड़ेंगे। हिजाब के ताल्लुक से रहे या कोई और इश्यू जो बीजेपी ने लिफ्ट करके कम्युनलाइज किया था, तुमने उसको क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे? ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है माइनॉरिटीज को दबाना, और तुम साफ हिंदुत्व कारण खेल करके। अमरुल इस्लाम साहब की एक बात याद आती है मुझे कि जिस वक्त उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया था उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो ऐसी पार्टी को मैं ज्योति के नोक पे रखता हूँ, बोलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगा पन था, वो पन मोहतरमा कनीज फातिमा के पास नहीं है। आज SGPI की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिमापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की MLA फ्रॉम कांग्रेस कनीज फातिमा के घर तक तय किया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज 7-8 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। जब ये गवर्नमेंट अपने लिए प्रचार कर रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे, और इन्होंने लोगों को ल्योर किया था ये ग्रीड देकर कि वो माइनॉरिटीज़ के इशू पर या कर्नाटका में जो भी एविल पॉलिसीज बीजेपी की लाई हुई है या जो भी RSS की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ ये कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ये कर्नाटका में पीस का माहौल बनाएंगे। ये इनके कुछ वादे थे जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम MLA जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए, या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस बीजेपी के टाइम पे थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था, या जो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज बना हुआ है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक संगी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम MLA से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी SGPI इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो। ये 9 MLA मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो, बहुत ही शर्म की बात। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री का मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी में पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन वोट के जरिए से जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग करते हैं। जब कोई भी लिंगायत इश्यूज के ऊपर अगर लिंगायत MLA बात करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, दलित इश्यूज के ऊपर दलित MLA बात करता है तो उसकी वाहवाही हो जाती है, ओबीसी MLA के ऊपर अगर कोई जुल्म ज्यादती होते हैं उनके इंसाफ के लिए अगर ओबीसी MLA बात करते हैं तो उनको तारीफ किया जाता है। ये जो धारा नीति, जो मुस्लिम इश्यूज के ऊपर अगर मुस्लिम MLA अगर कोई बात करे या कोई भी बात करे उसको हेट माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है, उसको एंटी पार्टी माना जाता है। ये दोहरी नीति किस लिए? यही कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शंस के टाइम पर खुलेआम माइनॉरिटीज को हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज लाई है हम उसको वापस लाएंगे बोलकर हम
तो 55 लाख तकरीबन मुसलमानों के 90% 92% वोट लेकर आने के बाद आज गवर्नमेंट में आकर 6-7 महीने हुए, आज कुछ करने से पहले वो बीजेपी आईटी सेल से डरती है, कुछ करने से पहले दिल्ली में जो बैठी हाईकमांड है उससे डरती है। अगर उतना ही डर था तो जब वोट मांगते टाइम पे क्यों बोले? 2013 में ही सिद्धरामैया जी ने कहा था कि कल्लड़गा भट्ट मंगलूर के एक रैली में, इलेक्शन रैली में सिद्धरामैया साहब खुद बोले थे कि ये जो प्रभाकर भट्ट है मंगलूर का, हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसको जेल में डालेंगे बोलकर 2013 में बोले थे। 10 साल होने को है फिर वापस इनकी गवर्नमेंट आई, आज तक भी उसको जेल में डालना तो छोड़ के बाद पुलिस स्टेशन बुलाकर उसको आज तक पूछे नहीं। रिसेंटली जब हाल ही में हमारे माँ बहनों के ऊपर जब वो टिप्पणी किया है, इतने बुरे अल्फाज बयान किया है कि मुसलमानों को हर एक दिन एक नया नया शौहर मिलता था, उनको मोदी जी की वजह से उनको एक परमानेंट गंडा मिला, बल्कि जो इतनी गलीज बात किया है इसके खिलाफ जब कुछ एक्टिविस्ट ने कोर्ट में इनकी तो औकात नहीं थी एफआईआर करने की और उसको अरेस्ट करने की, पूरे कर्नाटक से जब एहतजाज हुआ मंडिया में एफआईआर हुआ, वो एफआईआर होने के बावजूद भी कम से कम 7 से 8 आईपीसी सेक्शंस हैं, वो भी नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं। चाहिए तो ये था कि बिना प्रोटेस्ट के वो कानून के दायरे में रखकर उसको अरेस्ट किया जाता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता और जस्टिस को दिया जाता, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हलफनामा देती है कोर्ट में कि हमारा इरादा नहीं है इसको अरेस्ट करने का, तो बेल मिल गई उसको। तुम बोलते एक हो और करते एक हो, ये जो दोहरी नीति है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है। 10,000 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट आपने वादा किया, आपने दिया कितना? 2,200 करोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे दिसंबर के एंड तक हम जब चेक कर रहे हैं सिर्फ 200 करोड़ हमारे को दिए हैं। 200 करोड़ मतलब कितना? सिर्फ 10% दिए हैं। मतलब क्या होता है जब 10,000 करोड़ बोलकर 2,000 करोड़ देते हैं लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 200 करोड़। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप का, माइनॉरिटीज का खाली एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। हम मुसलमान एमएलए को जो वोटर डाले हुए हमारे जो उलमाए कराम इंटेलेक्चुअल्स पब्लिक खुश हो रही है खाली क्या देखकर? ये नोटिफिकेशन देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर, लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 10% हमें बजट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का और उससे ज्यादा जो मुस्लिम एमएलए की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, जब लिंगायत इश्यूज के ऊपर, ओबीसी इश्यूज के ऊपर, दलित इश्यूज के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हारे को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला तो आपको तिल मिलाती? माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकते प्रोटेस्ट निकलते? तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करा, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को, अब तक कुछ नहीं बोले। और वो आदमी को गवर्नमेंट एफिडेविट देती है, गवर्नमेंट का लॉयर बोलता है कि हमारा इरादा नहीं है इनको अरेस्ट करने का, तो फिर आईपीसी सेक्शंस क्यों डाले हैं? नॉन अवेलेबल सेक्शंस क्यों डाले हैं? मजाक उड़ाने के लिए थोड़े दिन पहले सिद्धरामैया साहब बुरखा के ऊपर बात करें, हम बुरखा निकाल रहे बोले, हाईकमांड से वहां से क्या नोटिस आया कि वहां से क्या फटकार पड़ी कि यू टर्न लिया 24 घंटे के अंदर? ये शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया गवर्नमेंट को और पूरी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। क्या 1 करोड़ माइनॉरिटीज, क्या 1 करोड़ मुस्लिम्स कनाडा का नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना कम्युनल क्यों हो जाता है जबकि सबके ऊपर बात करते हैं? हम क्या कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप जो मैनिफेस्टो में बोला है उसी को बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक है उसी को बात कर रहे हैं। जब भी एसडीपीए कुछ बात करती है, अरे तुम कम्युनल माहौल क्रिएट करते हो, तुम ऐसा करते हो, अरे हम हक की बात कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ में हम सब मिलकर क्या लोग कांग्रेस को जीता है या कनीस फातिमा को जीता है, इनका फर्ज बनता है कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो एमएलए कुर्सी छोड़ना है, बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज के ऊपर काम करने वाले, सिर्फ आप ही नहीं है, आप पहले एक थे अब एक हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड पूरे, खासकर 9 जो मुस्लिम एमएलए हैं, आपको वोट, आपको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है विधानसभा में बेंगलुरु के, आपको इसलिए भेजा है कि हमारे लिए बात करें, ना कि पार्टी के चमचागिरी करने के लिए आपको नहीं भेजा है, पार्टी की गुलामगिरी करने के लिए नहीं भेजा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे डिमांड करती है कि
कि आप लोग हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कैबिनेट में बात करें। क्या कि क्या बोले थे कि पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन के ऊपर हम वापस लेंगे, जो 4% रिजर्वेशन है देंगे बोले। कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग्स हुए, 6 से 7 महीने हुआ, वापस लूने की दूर की बात एजेंडे तक में बात नहीं करें आप। ऐसे आप गूंगे और बहरे सरकार है, ऐसे गूंगे और बहरे MLAs हैं। तो SDP डिमांड करती है कि आप अपना मुंह खोलना है। कांग्रेस नहीं तो नहीं, हम आपके साथ हैं, कर्नाटक की आवाम आपके साथ है, पूरे 9 मुस्लिम MLAs को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप बात कीजिए, आप हमारे इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दम पे आप नहीं रहना है, आप हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना है। SDP का यही डिमांड है। सियासत में कुछ बहुत सारे ऐसे सीखना पड़ रहा है जो 75 साल में नहीं सीखे, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लीडर्स, ये कांग्रेस के फॉलोवर्स, इनका जो प्रोपोगंडा रहता है, इनकी जो एक फैक्ट्री जो रहती एक चॉकलेट बनाकर देने की, वो बहुत अच्छी तरीके से बातों में रहती है। उसके एग्जांपल्स अगर प्रैक्टिकल रोड पे देखें तो वो एक अलग रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन खरीब जब आता है, इनको जब वोट होना रहता है तो इनकी ज़बान से बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब इलेक्शन आता है, इम्प्लीमेंट बात करने की बात आती है, तो तब ये भूल जाते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। उसका एग्जांपल एक है, शाहबाद के अंदर वार्ड नंबर 25 का एक बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस वालों ने किसको सीट दिया ये गुलबर्गा में किसी को नहीं मालूम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रियंका खड़गे साहब कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि मीडिया में बैठकर एक अलग बैठ देते हैं और जब बात आती है काम करने की तो तब अलग करते हैं। उसको जाकर आप देखिए, SDPI के खिलाफ लड़ाकर जिताने के लिए एक कैंडिडेट कांग्रेस वालों को नहीं मिला था, वो जाकर किसको टिकट देते हैं, जो इनके अब्बा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो MP इलेक्शन में जो लड़े थे, उन्होंने हारने के बाद एटम बम उड़ाया है, वो शख्स को टिकट दिए हैं नो। और दूसरी बात, मत्तेमुड़ जो BJP का रूरल का MLA है, वो जीतने के बाद अपने घर के पास एटम बम उड़ा के खुशी मनाता है। तो ये प्रियंका खड़गे साहब उसको बुलाकर कांग्रेस की सीट दिलाकर जिताते हैं, वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे SDPI आती है। यानी कि इनको समझ में आ रहा है आने वाले टाइम से SDPI से बहुत ज़्यादा खतरा है, और आपको खाली ये इनडायरेक्ट सिग्नल्स दे रहे हैं। ऐसे आपके काले कांड जो है संघ परिवार के साथ मिलकर इंटरनल जो करते हैं, उसका और बहुत सारा चिट्ठा हमको बोलने मत लगाइए। अगर आप ये बोलने पर मजबूर करेंगे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, प्रियंका खड़गे को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 9 MLA जो हैं मुस्लिम MLAs ना, इनको छोड़ेंगे। हम इनको आज इजीली एक वान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को कुछ पाबंदी है, हम आपको एक अच्छे दायरे में आपको समझाएं। ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाते हैं हम इंशाल्लाह। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे रियासत भर में मुस्लिम MLA जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ठहर करके जो जीत करके गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये बातें बताते गए हैं, जताते गए हैं कर्नाटक के मुसलमानों को, बैकवर्ड क्लासेस को, दलित्स को, कि हम आने के बाद तुम्हारे राइट्स के बारे में बात करेंगे और ये हमारा जो है मैनिफेस्टो रहेगा, और ये मैनिफेस्टो में आपके एजेंडाज ये इस तरह के रहेंगे। मैं सवाल कांग्रेस की सरकार से पहले इन मुस्लिम MLA से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी गैरत मर गई है, जो हजारों की तादाद में मुसलमानों के वोट लेकर के, आदिवासियों के वोट लेके, मुसलमानों के, सेकुलर के वोट लेकर के, उनके बारे में जब बात करने की बात करते थे, वो एजेंडाज बताते थे, वो मैनिफेस्टोज बताते थे, वो किधर चला गया? क्या माइनॉरिटीज तुम्हारे घर का एक टिश्यू पेपर है जो तुम अपनी मनमानी के हिसाब से वोट करवा लोगे और उन्हें डिग्निफाइड लाइफ नहीं दे सकोगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाल में जबकि तुमने ये सारी चीजें कही कि ये कर्नाटक कन्नड़िगास का है, कर्नाटक कन्नड़िगास का है, मुस्लिम्स का नहीं, हिंदूस का नहीं, जब कन्नड़िगास का है तो मुसलमान भी तो कन्नड़िगास ही है। जब मुसलमान कन्नड़िगास हैं तो कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी यह होती है कि वो पूरी जिम्मेदारी से, कल्लड़ का भट्ट कौन है, हुदा हलीम, जो हमारे ताल्लुक से बात करता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स को यूज करता है और डेमोक्रेसी के तार तार बिखेर करके रखता है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चमचागिरी करती है, कितनी शेमफुल बात है। और सिद्धरामैया जिनको हम समझते थे एक सेकुलर चैंपियन है, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, आज उनसे ये पता चलता है कि वो डिप्लोमैट कभी भी टर्न लेने वाला लीडर है, वो किसी का नहीं हो सकता। CM, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये CM मुसलमानों का होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि राज्य के जनता कन्नड़िगास, हर कन्नड़िगास का वो CM होता है और वो कन्नड़िगास का
रिस्पेक्ट करना पहले सीखे। और जो आज तक का हमारे जो माइनॉरिटीज के जो डिमांड्स हैं क्या है, तुम असेंबली पार्लियामेंट ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट किसको सिखा रहे हो भाई, किसको सिखा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कैबिनेट नहीं है? वो कैबिनेट में क्यों तुम पास करके रेजोल्यूशन पास करके सबमिट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के सामने, हिजाब के ताल्लुक से रहे या कोई और इश्यू जो बीजेपी ने लिफ्ट करके कम्युनलाइज किया था तुमने उसको क्यों क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? ये तुम्हारी सोची समझी साजिश है माइनॉरिटीज को दबाना, और तुम सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर खेल करके इस देश के अंदर टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए इस मुल्क को बहुत ही घातक तरीके से डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं और क्या कहेंगे उसको खत्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। मेरा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालिबा यह है कि मुस्लिम एमएलए जिनको हम मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके जो इंटेलेक्चुअल्स ओलमाज और मामूली लोग जो रक्षा चलाने वाले भी हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके अगर वोट डाल के जिताया है, अगर उनको इज्जत की जिंदगी नहीं दिलवा सकते और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हुआ अगर देख सकते हैं, तो मैं बोलता हूं कि आने वाले दिनों में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप हमारे बारे में बात करने के लायक हैं और काबिल हैं तो आप उस जगह पर बैठिए, हम आपके बैकिंग करेंगे। यह आज नहीं, पिछले कई जमानों से हम ये कह रहे हैं कि अगर आप माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं तो उस पोस्ट पर जहां पर आपको इज्जत और विकार हमने अता किया है जमहूरियत के अंदर, अगर वो इज्जत और इसके लायक अगर नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ करके उतरिए, कोई और जाएगा, कोई और बात करेगा। और मेरी एक बहन हिजाब पहनती है और वह हिजाब वाली बहन दूसरी बहनों के कन्नड़िगा बहनों के बारे में यह सुनती है कि उसके कई मर्द थे, एक मर्द को मोदी जी ने कन्वर्ट करवाया, तो शर्म की बात है। उसने क्यों एहतजाज असेंबली के अंदर नहीं किया, क्यों उसने एहतजाज को लीड नहीं किया, क्यों उसने जाकर के केस नहीं दर्ज करवाया? मैं उस बहन से पूछता हूं, तुमको हमने वो विखार दिया था, तुम्हें वो मकाम और मर्तबे पर बिठाया था, वो पोजीशन पर हमने लाया था, तुम्हें इज्जत दिलाई थी हमने समाज में, और हमने ये साबित कर दिया कि सेकुलरिज्म का जो बुनियाद होती है वो गुलबर्गा के अंदर हमने बुनियाद को बताया कि हम हमारी वुमेन्स को भी हम वो पोषण मकाम बता कर सकते हैं। तो तुमने क्यों अपनी बहनों की रक्षा के लिए चुप्पी साधी रखी, क्यों तुमने असेंबली के अंदर क्यों नहीं बात की, क्यों तुमने कंप्लेंट और केस क्यों नहीं दर्ज करवाया, क्यों तुम अपने कैबिनेट के अंदर या अपने मिनिस्ट्री लेवल में उस बात को क्यों नहीं चलाई? मेरा क्वेश्चन मोहतरमा कनीज फातिमा जो मेरी से ईमानी बहन है और वो मेरी यहाँ की एमएलए भी है, बीइंग एन रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गुलबर्गा, बीइंग एन अपोजिशन लीडर, मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप नहीं बोल सकती है तो आप अपनी कुर्सी से उतरिए, माँ सलाम करिए, पीछे और को बिठाया जाएगा और वो काबिल होगा और हमारी बहनों और हमारे हर कन्नड़िगा के बारे में बात करेगा। मरहूम डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब की एक बात याद आती है मुझे, जो सादगुमच के तारीखी मैदान से ये कह रहे थे कि जिस वक्त उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया था उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो इसी पार्टी को मैं ज्योति के नोक पे रखता हूँ, बोलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीज फातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ मोहतरमा कनीज फातिमा जी, प्रियंका खरगे खमरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो भी कभी खमरुल इस्लाम के खिलाफ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके जीतने के बाद टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंका खरगे साहब के पास जाकर ठहरना, ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। आप जो वादा करे थे मैनिफेस्टो लेकर, आपा खाला अम्मा बोलकर घर घर आकर, जो कांग्रेस के चापलूसी करने वाले लीडरान, जो खरगे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक खमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग खमरुल इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। मैं मोहतरमा कनीज फातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते, कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है यहाँ पर, आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम खमरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब 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 उन्होंने आवाज़ लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक से,
जब जब हम उनके साथ खड़े रहे। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खरगे बड़े खरगे से ना डरिए, आप आवाज लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, ये मत भूलिए आप लोग। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, और मोहतरमा कनिष्ठ फातिमा जी, 6 महीने हो गया आप इलेक्शन जीत कर, एक 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं करे आप, डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे आप, फिर क्या फायदा? ये नाली गटर रोड का काम छोड़ दियो, कॉरपोरेटर कई के वास्ते जीते? कॉरपोरेटर खाली कमीशन लेने के वास्ते जीते क्या? उनको काम लगाओ। तुम्हारा काम क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करना, असेंबली में बात करना। आपको जो लाखों लोग जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, हिजाबी क्वीन के नाम से फॉलो करते हैं, आपको ये बैठकर नाली और रोड का काम करने के वास्ते फॉलो नहीं करते, ये आप मत भूलो आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करे, 55 लाख लोग वोट करे कांग्रेस को मुसलमान, वो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ऐसा ही है, ये 75 साल इन्हों ऐसा ही करे, धोखा ही देते आए हैं। धोखे की इमारत के सिवा कांग्रेस कुछ नहीं दी है। जब तक SDPI के 4 MLA असेंबली में नहीं जाते, ये लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात आप लिख लो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये भी देखो आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद MLA मैडम की एक ऑफिस नहीं है, गुलबर्गा नॉर्थ में एक ऑफिस नहीं है, पब्लिक कहाँ जाना? घर को है बोले तो मैडम कहाँ है? बोले तो बेंगलुरु में है। घर को है बोले तो मैडम कहाँ है? बोले तो बेंगलुरु में है। और अपोजिशन लीडर्स वो भी गुलबर्गा में एक ऑफिस नहीं है, और कोई अपोजिशन लीडर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन SDPI 12 महीने और 365 दिन आवाम के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए।